जी राम राम जी, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। सुबह के 6 बज गए हैं और ये देखिए गुड्डू उठ गई है। ये सबसे पहले उठने के बाद में अपना बैग लगाएगी और फिर ये नहाने के लिए जाएगी और मैं इसके लिए फिर दूध गर्म करूँगी। दूध सिंपल पिएगी या कौन सा पिएगी? बोनविटे वाला मंगा लिया इसने कल ही अपने पापा पे। तो चलो जी हम भी अपने रूटीन पर लग जाते हैं। अर्ली मॉर्निंग रूटीन जो होता है वो थोड़ा सा हो गया है, आगे का प्रोसेस जो है वो शुरू करते हैं। फिर छोटे वाले बच्चों को भी उठाना है और इधर चिंकी भी आ गई है उठकर, ये देखिए। फिर चिंकी भी रेडी होगी, इनका नाश्ता बनाना है। इसके लिए बनाऊंगी बेसन के चिल्ले और सारी सब्जियां डालूंगी उसमें। और अभी ये देख रही है कौन कौन सी बुक्स रखनी है, कौन सी बैग में से निकालनी है। थोड़ा हा वजन ले जाकर, ज्यादा ना ले जाकर, क्योंकि अपने जत्थर के हिसाब से ठीक है, पर पढ़ाई में ध्यान रख हाँ वो ठीक भी है, तो है। आलतू फालतू की चीजों में नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स आगे की कार्रवाई जो है शुरू करते हैं। अपने बाबा को खिचड़ी खुआ दें, हैं? दे दे चम्मच तो है। ले भाई, ले भाई, खिचड़ी खा रहे, ले खिचड़ी खा। ले खा भाई, खा फोन में कोई खा आज तो। ले खा, ले कहाँ निगाह कर रहा, कहाँ निगाह है तेरी, खा भाई खा। चलो भाई खिलाओ रे नंदू, हैं? देखो आके रखी, आ जल्दी खिला दो, आके रखी, देखो आके रखी। इसने फोन पे रख दी खिचड़ी, खा लो भाई। गुड्डू की आज छुट्टी है और प्रीति लग गई है झाड़ू लगाने के बाद में पोछा लगाने के लिए। अब मैं भी लगवाऊंगी तो जल्दी से लग जाएगा और फिर मुझे करनी है नहाई। नहाई पानी गर्म लगा दिया, पानी गर्म तो लगाया नहीं, उसमें रखा पानी गर्म। और पोछा लगाते लगाते एक पंथ दो काज, यहाँ पर फोन पे बातें चल रही है मायके में। मायके में शादी की तैयारी हो रही ना, तो उन्हीं के सब चीजों के बारे में डिस्कशन चलता रहता है, फोन पर ही वार्तालाप होती रहती है हर चीज। जाने का टाइम है नहीं, जाने का इतने दिन पहले टाइम नहीं है, एग्जाम है, तो कोई बात नहीं जल्दी भेज देंगे, फिर भी एग्जाम के बाद में तुरंत देखेंगे, अभी कुछ बताएंगे। पापा से बात करूंगी मुझे जाकर। और अभी पापा की बात चल रही मम्मी के साथ में। तो देखिए फ्रेंड्स आज मैंने अपने पति देव बहुत बड़ी लिस्ट बनाकर दे दी है और कैसे चलता है मेरे घर का गुजारा बताइए जरा आप भी। तो जी बात कुछ ऐसी है, फिलहाल तो मैं ये दोनों मेरी जो बेटियां हैं, बेटी है तो जग है, जग है तो संसार है, संसार है तो दुनिया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और बचा तो हमने ये ली थी, अब इन्हें पढ़ाने की जिम्मेदारी। बेटा इधर देखो, इस पे पेंसिल खत्म हो गई है और इसका पेंसिल का जो डब्बा है ना, पूरा बॉक्स, पूरा डब्बा हो गया खत्म। गुड्डू के पास पूरा बचा है, अभी 10 पेंसिल है उसमें, आधी पेंसिल उसमें चिंकी की है और ये मैं दिला कर ही रहूंगा। गुड्डू मेरी है सारी, ये डब्बा तो जल्दी जल्दी खत्म कर दिया मेरा। अच्छा मैंने खत्म करा, जो मम्मी रोज आ रही सारी उसको पेंसिल देवे, क्यों देवे इतनी, बाहर से नहीं ला के दे सकती रोज पेंसिल खोया मैं। लिस्ट मिल गई, थैले मिल गए, रबड़ मिल गई, थैले बांधने वाली, चीनी का कट्टा भी आओगा, ठीक है। तो जी ये है मेरा जो प्रोफाइल है वो ये है, ये काम करता हूँ मैं, घर के सामान ढोता रहता हूँ। कल भी लाया था बहुत सारा सामान ग्रोसरी की दुकान पे से, आज जाऊँगा बाजार, बुढ़ाना पड़ता है हमारा, वहाँ से लाना पड़ता है, जैसे चीनी उसका पूरा बोरा लाना है मुझे, क्योंकि चाय के एडिक्ट बहुत हैं यहाँ पे, उन्हें चाय चाहिए कई कई बार दिन में, हमें छोड़कर हमने पीते इतनी चाय, इतनी मतलब ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल नहीं पीते, मजबूरी में पी लेते हैं जब कोई आ जाता है मेहमान। रसोई के सामान नमक से लेकर दाल, ये वो फलाना ढिमकाना सब उसमें है, सब मतलब जितने हम यूज करते हैं वो वाले। और अब मैं चलता हूँ, चमनप्रास याद करके उसमें लिखा नहीं मैंने, चमनप्रास के लिए बजट के हिसाब से। हाँ बजट के हिसाब से थोड़ा थोड़ा करके ले आएंगे। तो जी छोटा सा डब्बा ले आऊंगा और ज्यादा सर्दी आएगी तो फिर बड़ा डब्बा ले आऊंगा, ऐसे ही काम चला लेंगे, मैनेज कर लेंगे। तो जी इस तरह हमारे घर का चलता है खर्च। और खर्च कैसे चलता है? इस तरह चल रही है हमारे घर की ये गाड़ी, धीरे धीरे, मतलब कुछ कुछ YouTube की तरफ से आ जाता है। आपके बजट के हिसाब से मैंने आपके लिए लिस्ट बनाई है, ठीक है, उसमें एक किलो सामान है, बाकी उसमें ज्यादा कुछ नहीं है। तो कुछ मिला के YouTube मनी और कुछ अरविंद की सैलरी, कुछ मिला के घर का खर्चा चल रहा है आराम से, आराम से ही चल रहा है, ज्यादा तेज नहीं चल रहा है, और भगवान की मर्जी है वो तो, ज्यादा तेज चले आराम से चले, लेकिन कुल मिला के
संतुष्टि है काफी हद तक और चल रहा है, बाकी राम जी मालिक है सबका, देखी जाएगी जो भी होगा आगे भविष्य किसने जाना बस है। ये पढ़ लो हमारे तो जरूर, जरूर पढ़ेंगे। धमकी दे रही है। कोल्ड ड्रिंक खत्म कर दी इन्होंने, वो दवाई लेने वाली। हाँ मम्मी आप तो कहते जाओ, देखो क्या संकट आ गया। क्या कोल्ड ड्रिंक खत्म होगी तो और आ जाएगी, बाजार दूर थोड़ा ही ना है। और ये वाला वीडियो हमारा जो है शुक्रवार का है, नेक्स्ट डे का, और सुबह के टाइम जो है कपड़े बहुत सारे, क्योंकि बृहस्पतिवार में कपड़ों की धुलाई नहीं करते हैं गुरुवार वाले दिन, और यहाँ पर जो है गठड़ी में बांधकर मैं लेकर आ गई थी कुछ कपड़े धुलने के लिए, डाल रहे हैं प्रीति पानी में निकाल कर, ड्रायर में डाल देगी तब तक वो भी सूख जाएंगे जब तक मैं इन्हें तार पर डालूंगी, यहाँ पर अच्छे खासे सूख जाते हैं। और अभी जो है हम लोग एक बात से और बेफिक्र हो गए हैं, बंदर भी कम आते हैं, ध्यान रखते हैं। अब की बार वो 5-6 दिन में आए थे, तो पहले हम लोग सोच रहे थे किसी ने शायद पकड़वा दिए होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, आए तो थे लेकिन ऊपर नीचे जब हम लोग घूमते रहते हैं तो कम आते हैं। पहले बंदरों के डर की वजह से एक बार हमने ऊपर छत पर आना भी बंद कर दिया था, सारे काम नीचे ही करते थे और वो नीचे तक हमला भी करने लगे थे। आपने देखा था एक बार उन्होंने सारा दूध खिंडा दिया था, उस दिन हम लोग चेरी काटने के लिए गए थे खेत में, प्रीति घर पर अकेली थी। तो बंदर जो है इस तरीके से अटैक करते हैं जब अकेले इंसान को देखते हैं, जब कितने सारे लोग घर में घूमते फिरते दिखते हैं तो वो यहाँ पर नहीं आते हैं। अब जो है हम लोग ध्यान रखते हैं इधर उधर से भी, बच्चों का भी, बाकी बच्चे तो स्कूल चले जाते हैं, नंदनी घर पर रहती है, बस उसकी ही चौकसाई करते रहते हैं, माँ तो उसके साथ में रहती ही है। और देखिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा कपड़े छोटे बच्चों के ही होते हैं, क्योंकि उन्हें दो दो तीन तीन कपड़े पहनाने पड़ते हैं, सर्दी का मौसम होता है, वैसे तो दिन में धूप निकल जाती है लेकिन जब कमरे में बच्चे अंदर रूम में बैठ कर पढ़ते हैं तो ठंड लगती ही है। तो जी अभी ये वाले कपड़े मैंने यहाँ पर सूखने के लिए डाल दिए हैं, ये धुल गए थे, अभी थोड़े से और है, दो दिन के हमारे कपड़े हैं, अभी एक बार में और आएंगे जब तक इनमें से कुछ कपड़े सूख जाएंगे। और नीचे जल्दी छांव आ जाती है तो वहाँ पर गर्म कपड़े नहीं सूख पाते हैं। नंदनी की पजामियों की ज़्यादा फिक्र रहती है, उसे ज़्यादा कपड़े चाहिए होते हैं ना, पजामी ज़्यादा चाहिए होती है, बार बार सूसू कर देती है। तो चलो जी चलते हैं अभी नीचे, और रह रहे हैं अभी तो, एक बार और आएंगे, इतने ही सारे हैं। देख ली मुझे, मुझे पता था, नंदनी तो कह रही बहुत तेज तेज चल रही, देखो हाथ भी लगा दे रही, देख लो कहा जाऊंगा, हट जाओ कोई बीच में नहीं आएगा, हट जाओ कोई बीच में नहीं आएगा। पकड़ लिए पापा, पकड़ लिए, ये पकड़ लिए, यहाँ ना कैसे, और यहाँ से भी ऊपर जाना है अभी। हाँ। देखो देखो ऐसे ऊपर से आवाज लगा दी थी ना, अब वहीं जाके मान लेंगे, देख लिए थे ना। देखो सैसेज बाय कर दो, बाय कर दो, चले जाओ उसके साथ, बाय कर दो, बाय बेटा, जाओ घुमा लो इसे आराम से, जागी अपने आप जागी, मुझे पता गोद में भी नहीं आनेगी। नीचे आने के बाद भी थोड़े से कपड़े यहाँ पर डाल दिए हैं क्योंकि वहाँ पर सारे कपड़े नहीं आएंगे, और ये ऊपर से कुछ उठाकर लाई है, अभी लेकर आए हैं ये इसे के पापा, तो माँ को कुछ दिखा रही है, पहिए लेके आई है कूलर के बीच वाले, उसमें से उठा के ये देखो, अभी बरामदे में पड़ा है ना सारा सामान, यहाँ पर माँ ने सब्जी काट दी है, आलू गाजर ये छोंकूंगी मैं भी, मिट्टी का चूल्हा जलाऊंगी। चलो जी थोड़े से कपड़े और रह रहे हैं, उन्हें भी ऊपर सुखा कर आती हूँ, थोड़ी सी जगह बची हुई है वहाँ पर। तो जी कपड़े सुखाने के बाद में तब तक माँ ने जो है आलू और गाजर भी काट दिए थे, अभी मैंने आते ही यहाँ पर सब्जी छोंक दी है, अभी मुझे हंडी में दूध रखना है, माँ बोल रही थी वो दूध भी रख दे, टाइम से जो है वो कड़ भी जाएगा और फिर उसमें जावन भी लग जाएगा शाम के टाइम समय से, क्योंकि फिर वो जमाना भी है। और यहाँ पर आलू गाजर जो है मैंने मेथी दाना में छोंके हैं, प्याज ख़त्म हो चुकी है, मैं इन पे कल मंगाऊंगी, आज तो टाइम नहीं है, अभी ये अपना काम भी कर रहे हैं। तो जी देखिए अभी आंगन में भी साफ़ सुथरा कर दिया है, उधर पशुओं के लिए गेहूं पीसने के लिए डाला है धूप में, और थोड़े से चने डाले हैं जो भैंस के लिए और गाय के लिए पिसवाएंगे। यहाँ पर गाजर में मैंने मसाले वगैरह डाल के अच्छे से चला दिया है, आलू गाजर की सब्ज़ी में थोड़ा सा पानी डालना पड़ेगा, गाजर जो है पानी कम ही छोड़ती है इस मौसम की,
यहाँ पर इसी हरी में जो है मैं हंडी में दूध रखूँगी। हंडी को मैंने साफ़ करके रख दिया है, उसमें पानी डाल के। पानी डाल के जब पहले रख देते हैं तो उसमें दूध ज़्यादा नहीं जलेगा, जैसे कि हम लोग कितने दिनों बाद हंडी में दूध रख रहे हैं उसमें ये फ़ायदा हो जाता है। अगर कोरी हंडी में दूध रखते हैं तो उसमें सारा दूध वो पी लेती है, इसी वजह से मैंने जो है हंडी तो ये हमारी पुरानी है लेकिन फिर भी मैंने इसमें पानी डाल के रख दिया था। मुझे माँ ने बताया था कि इसमें थोड़ा सा पानी डाल के रख दियो और गर्म पानी से इसको साफ़ कर दिया है। अभी दूध जो है यहीं पर टंगा रहता है बाल्टी में। ये हमारी खास जगह है, यहाँ पर कुत्ते बिल्ली किसी भी कोई टेंशन नहीं रहती है और बच्चों की पहुँच से भी ये दूर रहता है। जब हमें ज़रूरत पड़ती है यहीं से खूंटी से उतार लेते हैं। और कुछ दूध जो है रात का फ्रिज में हमने रख दिया था, अब ये भी मैं कड़ने के लिए हंडी में डाल दूंगी। उधर मैंने काली दाल की खिचड़ी जो है बनने के लिए चढ़ा दी है कुकर में। और जब तक कर लेते हैं ये काम, पहले बच्चों के लिए मैंने ताज़े दूध में से छान लिया है। दोपहर में बच्चे जब स्कूल से आते हैं तो वो दूध पीते ही हैं और कुछ छोटू को पिलाते हैं हम लोग दोपहर के टाइम में। छोटू को भी तो देना होता है दूध, तो ये गर्म किया हुआ दूध ही देते हैं। कच्चा दूध जो है पेट में सुखा देता है ना, जो वो अपनी माँ के नीचे से ताज़ा पीता है उसकी बात कुछ और होती है, और जब वो रखा हुआ पिएगा तो उससे सूख जाएगा उसके पेट में। तो इसमें शक्कर और तेल डालकर उसको पिला देते हैं दोपहर में, जब वो बोलने लगता है, उसे भूख लगती है। यहाँ पर मैंने हंडी में दूध डाल दिया है और ये सारे बर्तन भी साफ़ कर दिए हैं। इसमें जो है भगोने में क्रीम लगी हुई थी साइड में, तो इसे भी पानी डाल के थोड़ा सा मैं साफ़ करके हंडी में ही डाल दूंगी और फिर इस हंडी को रख दूंगी हरे में। हरा भी सिलक गया है जब तक मैंने ये सारे काम किए हैं। इस वाली हरे में भी ये हंडी फिक्स हो गई है, नहीं तो फिर मुझे दूसरे वाले हरे में जो हमारे समर सेविल के पास है वहाँ पर रखना पड़ता। और यहाँ पर माँ जो है, अब छोटू को मैंने दूध गर्म कर दिया था ना, छोटू को यहाँ पर दूध दे रही है ठंडा करके, और इसमें ये शक्कर से मीठा किया है और इसमें तेल, सरसों का तेल डाला है थोड़ा सा, जो उसके लिए फायदेमंद है। और ये बड़ी मुश्किल से लेता है। ये देखिए, ये है गिरगिट और ये बहुत दिनों से मैं इसे यहीं पे देख रही है। ये देखो रंग बदल रहा है, बिल्कुल बदल दिया इसने रंग, बच्चे आगे से देखने के लिए। ये बदल दिया रंग, देखो डर लग रहा है। मम्मी बचा लो, बाबा बचा लो, उस पीछे भाग जाएगा। मम्मी दूर रखो, बच्चे सारे डर रहे। मम्मी बचा ले पापा, ये इसकी पूंछ है इतनी लंबी। मम्मी बचा ले आरुष, मान जा। ये देखिए कहीं कक्कू बचा ले। यहीं पे ये घूमता रहता है, गिलोई की बेल पे घूमता रहे, यहीं से अपने खाने की पूर्ति करता रहे। ये देखो कैसे देख रहा, गुस्सा आ गया भाई से, पीछे हो जाओ, गुस्सा आ गया इसे। आज बहुत दिनों बाद, कई महीनों के बाद हमारे यहाँ पर हंडी में दूध रखा गया है भैंस का। तो जी जैसे वो उसकी डिलीवरी हुई है तो उसका पहला मक्खन जो निकालेंगे वो पूजा पाठ के लिए रखेंगे ना, तो इसमें अब हंडी रखा करेंगे। काफ़ी दिनों से ये भी वेटिंग में था कि कब हंडी आएगी, चलो लेकर आते हैं इसके लिए। ये इसी कोने में रखा रहता है किचन के सामने ही परमानेंट। चलो जी हंडी निकाल के लाते हैं। और यहाँ पर मिट्टी का चूल्हा आज पूरा दिन हो गया है जलाते हुए, क्योंकि लोखी की बनाई थी हम लोगों ने बर्फ़ी, वो आपने देख ही लिया है पाल फैमिली व्लॉग्स पर। और यहाँ से अब हंडी निकाल लेते हैं। इसकी सारी नीचे की अंगारी जो है मैंने यहीं पर साफ़ कर दिया है, लेकिन फिर भी माँ बोल रही है उसमें एक कपड़ा पड़ा हुआ है, उस पर जो है इसको घुमा देना रख कर, तो वो सारी जो थोड़ी बहुत भी होगी वो सब उतर जाएगी। तो ये उतर गई है, अब इसको मैंने जड़वा दिया है इनसे। दूध कट गया है, इस पे जाली रख दूंगी जिससे कि ये जमाने के टाइम तक ठंडा हो जाए। और आज के रूटीन का थोड़ा सा काम मेरा ये बचा हुआ था, गोबर लेकर मैं ऊपर आ गई थी। फिर मैंने सोचा कि साथ के साथ ही इसके उपले बना देते हैं। जब सुबह को गोबर सारे के सारे उपले बनाते हैं या फिर शाम को, तो ये दूसरे टाइम तक जो है बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है और इसमें जो है फिर हाथ भी फटने लगते हैं। अगर ये सुबह का शाम तक का गोबर एक साथ पात दिया जाए तो इसमें इतना ठंडा नहीं लगता है और हाथ भी ख़राब नहीं होते हैं, साथ के साथ हाथ साफ़ हो जाते हैं। ज़्यादा जब गोबर के उपले बनाते हैं ना तो उसमें दिक्कत होती है। ये
थोड़ा सा ही है, सुबह से लेकर शाम तक का है। दो यहाँ पर तसले हमने डाल लिए थे लाकर, तो इन्हें फटाफट से उपलों को बना देती हूँ, फिर नीचे जाकर करूँगी खाना बनाने की तैयारी हाथ साफ करके। और यहाँ पर थोड़ा सा आज हमने क्यारी वगैरह बनाने का भी खाद मिलाया है, उसके लिए हमारी तैयारियाँ चल रही है जोरों शोरों से, जिसमें हम बहुत सारा टाइम अपना अभी दे रहे हैं। और बच्चों का आज मैंने होमवर्क नहीं कराया है, क्योंकि उसके लिए जो है मुझे टाइम अलग से निकालना पड़ेगा। आज मेरा पूरा दिन जो है ये जो हमने फ्रेम काटे हैं ना कूलर के, उसमें चला गया। तो जी उपले बनी गए हैं बातों ही बातों में। और गुड्डू मुझसे कुछ पूछने के लिए आई थी, उसकी चाची पूछ रही थी कि खाने में शाम के क्या बनेगा। माँ गई है नंदनी को लेकर बाहर घुमाने के लिए, तो बस अभी 3-4 उपले रह गए हैं, इनको बना लेते हैं, फिर चलते हैं नीचे, देखते हैं नीचे की क्या क्या तैयारी है और फिर करेंगे दूसरा काम। 7:30 बज गए हैं शाम के, और अब ये दूध जो है थोड़ा सा ठंडा हो गया है, ना ज़्यादा गर्म में लगाना और ना ज़्यादा ठंडे में, ऐसे ऐसी तासीर के दूध में लगाना जावन जिससे कि ये जम जा। और कैसे जमाएंगे, ये है मट्ठा, ये देखिए, और इसमें डाल के चम्मच से घुमाएंगे जिससे कि पूरे दूध में ये मिक्स हो जाए। ये देखो दूध कड़ा हुआ, देखिए वाह। मम्मी हलवाई को दिखाकर जमा रही हूँ, पहले ही डांट ना खानी पड़े। इसमें चम्मच घुमा दिया है मट्ठा डाल के, तो इसे बोलते हैं जी जामन लगाना दूध में। इसे अंदर रखेंगे ढक मूंद के, सर्दी का मौसम है ना, ठंड में बाहर नहीं जमेगा ये पूरा सिस्टम अंदर ले जाना पड़ेगा रसोई में। अभी आर उसी भी जमाना सीख रही है, आ गई यार उसी। और अभी जो बचा हुआ जामुन था वो मैंने फ्रिज में रख दिया है, कोई भी अड़ोस पड़ोस में से लेने के लिए आ जाता है। अभी माँ बोलने लगी कि साथ के साथ इस टोकरे को भी अंदर रख देते हैं। मैंने हंडी उठाई थी, माँ जो है जल्दी सी हंडी नहीं उठाती है, टोकरे में वजन है। मैं माँ से बोल रही थी कि टोकरा मैं उठा लेती हूँ, तो माँ बोली कि मैं टोकरा उठाऊँगी, तू हंडी उठाना। तो जी यहाँ पर रख दिया है, अब इस पर कुछ ढक देंगे कपड़ा, गर्म कवर है ये जिससे मैंने इसको ढक दिया है, और सुबह देखेंगे अब इसे खोल कर, ठीक है जी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इस वीडियो को अपनी यहीं पर कर देते हैं एंड, और आपसे मिलते हैं एक अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो शेयर करना मत भूलिए। तब तक के लिए बाय बाय, सबको हमारी राम राम।